हेलो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और बेल बटन को जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमने बाजू की कटिंग हमने कर ली है तो जैसे नॉर्मल बाजू कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने बाजू कट करनी है। ठीक है, तो इसकी हम लेंथ और चौड़ाई देख लेंगे कितनी होगी। लेंथ हमारी है 17.5 इंच की। ठीक है, तो चौड़ाई हमने रखनी है इसकी जो मोरी है वो 5.5 इंच की रखनी है। जो आर्म होल रखना है वो रखना है 7.5 इंच का। ठीक है, ऊपर वाली डीप वाली कटिंग हमने 2.5 इंच पे करनी है। तो इस तरीके से आपने बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब हम पेस्टिंग लेंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों बाजू में डिज़ाइन बनाने हैं तो इसीलिए हमने 2 पेस्टिंग ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी जो लंबाई है वो है 15 इंच की और 1.5 इंच हमने 1.5 इंच ऊपर से छोड़ना है और 1.5 इंच ही हमने नीचे से छोड़ना है और 0.5 इंच हमारा जो सिलाई में जाएगा और जो 1 इंच है वहाँ से हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1.5 इंच से नीचे हमने फिर से 2-2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, पूरे निशान लगा लेने हैं हमने 2-2 इंच पे और ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब 2 इंच का भी हमने हाफ़ लगाना है। फिर से हमने 2 इंच के हाफ में 1-1 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, जो 2-2 इंच का हमने निशान लगाया है उसके बीच में फिर से हमने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है और उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये भी निशान लगा लिए। अब जो 1 इंच का निशान लगाया है ना उससे हमने इस तरीके से हमने बर्फी शेप बनानी है। ठीक है, तो इन निशान को हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे निशान को डार्क कर लिया और फिर हमने क्या करना है, इसमें हमने बर्फी शेप बना देनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये पूरा डिज़ाइन हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इसके जो पीछे वाली साइड है ना वहाँ पे भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो ये बुक, ये पेस्टिंग है, ये आर पार सब इसमें दिखता है, तो दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। जो लाइनें हैं वो हमें दिख रही हैं साफ साफ, बिल्कुल उसी के ऊपर हमने इस तरीके से लाइन को लगा लेना है। ठीक है, और ये हमारा डिज़ाइन है जो दूसरी तरफ भी उभर के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने दूसरी पेस्टिंग में भी इसी तरीके से पूरा डिज़ाइन बना लेना है। ठीक है, अब इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे हम। तो ये मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डोरी लगानी है और डोरी भी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इस तरीके से हमने कपड़ा लेना है, 8 इंच का कपड़ा है लंबाई में और 1 इंच चौड़ाई में है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसको डोरी को सीधा नहीं करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको हम घुमा देंगे डोरी को इस तरीके से। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसके ऊपर हम मशीन चलाएंगे तो हमारी डोरी बहुत ही अच्छी बन जाती है, रेडीमेड डोरी बनती है। इसको सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बहुत ही जल्दी ये डोरी बन जाती है। ठीक है, अब हम छोटा सा पीस लेंगे, इसकी हम लूप बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद डोरी को रखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर हम इस तरीके से सीन लगा देंगे, डबल सीन लगा दें आप। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो लूप है वो भी तैयार हो जाती है। अब इसको सीधा कर देंगे और इसी तरीके की हमने 8 डोरियाँ बना लेनी है। ठीक है, 4 एक साइड में लगेंगी और 4 दूसरी साइड में लगेंगी। तो हमने इस तरीके से 8 डोरियाँ बना ली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉर्नर पे एक एक डोरी को फिक्स करना है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम लगाएंगे डोरी को, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पे हम पक्का कर देंगे डोरी को इस तरीके से। मतलब पूरी डोरियाँ हम फिक्स कर लेंगे क्योंकि पहले बाजू फिक्स करेंगे फिर डोरी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हमने पहले से ही इसको डोरी को फिक्स कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर में ही लगानी है डोरी। ठीक है, ये देखिए, ऐसे आप देख लेंगे पीछे की साइड में और इस तरीके से आपने पूरी डोरी को
चार इस साइड लगी हैं और चार हमने उस साइड को लगानी है। ठीक है, इस तरीके से आप डबल मशीन चला देंगे, हमारी डोरी पक्की हो जाएगी। तो ये देखिए पूरी डोरी मैंने लगा दी है। अब हमने बाजू लेनी है, ठीक है, इसका सेंटर बनाना है। बाजू का सेंटर बना हुआ है, ठीक है, आप फोल्ड कर लें पहले इसको। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब बाजू का हमने सेंटर बनाएंगे और सेंटर के ऊपर हमने इसको रखना है, ठीक है, और नीचे से बाजू भी आप फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बाजू भी फोल्ड कर ली है और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, हमने बाजू का भी सेंटर बना लिया। तो इस तरीके से आपने ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है, जहाँ पे हमने तुरपाई करनी है उतनी जगह छोड़ते हुए यहाँ पे डिज़ाइन को रखेंगे और बीच में हम सेंटर में रफ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेट करते हुए बीचों बीच हमने, बाजू के बीचों बीच हमने डिज़ाइन को रखना है और डोरियों को बाहर निकाल देना है ताकि हमारी जो डोरियाँ सिलाई के बीच ना आ जाएं। मतलब बीच वाली डोरियाँ तो सिलाई में आनी चाहिए लेकिन जो साइड में लटक रही हैं वो बीच में ना आ जाएं, इसलिए हमने इसको इनको सेट करते जाना है, साइड में करते जाना है बीचों बीच। तो इस तरीके से हमने जैसे जैसे डिज़ाइन बनाया है उसी तरीके से हमने इसके ऊपर मशीन को चलाते जाना है। ठीक है, तो हमने ये डिज़ाइन भी बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही डिज़ाइन बना देना है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बन चुका है, अब हमने इसको बीच से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरीके से इसको बीच से पकड़ेंगे ऐसे, और मतलब कैंची से हम थोड़ा सा इसको कट कर देंगे और बीच सेंटर से इसको कट करेंगे। और ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो कटनी नहीं चाहिए। और जैसे जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है बिल्कुल वैसे वैसे ही हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे और इसी तरीके से हमने बीच बीच में कट भी लगा देने हैं साथ साथ में ही। ठीक है, तो ये पूरा डिज़ाइन मैंने कट कर लिया है और कट भी लगा दिए हैं और इस तरीके से हम इसको पलटा देंगे और डोरियों को हम इस तरीके से खींचेंगे और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बाहर आ जाता है डोरियों को खींचने से। ठीक है, तो ये देखिए सारी जो डोरियाँ हमने खींच ली हैं और डिज़ाइन भी हमारा बाहर आ गया है। तो इस तरीके से ये आप डोरियों को सेट कर लेंगे। ठीक है, सेट करने के बाद डिज़ाइन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये देखिए, और चाहे तो आप ऊपर से रफ सीन भी लगा लें। ठीक है, बाद में हम तुरपाई कर देंगे बैक साइड में और इस तरीके से आप डोरियाँ बांध देंगे और दोनों जो डिज़ाइन है हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों बाजू के डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।